स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कंकाल मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? ए पट्टाबेट, बी प्रभासपाटन, सी अल्लाबदिनो, डी बलेकत। आंसर ए पट्टाबेट। एक्सप्लेनेशन: गुजरात के कच्छ शहर में पुरातात्विक खुदाई से 5200 साल पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती का पता चला है। पट्टाबेट नामक स्थानीय टीले से खुदाई में उन्हें एक कंकाल मिट्टी के बर्तन और कुछ जानवरों की हड्डियां मिली हैं। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? ए मलावी, बी जिम्बाब्वे, सी जाम्बिया, डी मोजाम्बिक। आंसर बी जिम्बाब्वे। एक्सप्लेनेशन: जाम्बिया और मलावी के साथ साथ जिम्बाब्वे ने पूरे दक्षिणी अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। राष्ट्रपति एमरसन मनांगागवा ने अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा हुई, जिससे देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न: हाल ही में लैंसेट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी भारत। आंसर सी भूटान। एक्सप्लेनेशन: दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने जीवन प्रत्याशा में विभिन्न सुधार दिखाए हैं, जिसमें भूटान 13.6 वर्ष की वृद्धि के साथ अग्रणी है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ उन अतिरिक्त वर्षों की औसत संख्या का अनुमान है जो एक निश्चित आयु का व्यक्ति जीने की उम्मीद कर सकता है। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश ने उद्योगों के लिए यूरोपीय मानकों को अपनाते हुए नया पर्यावरण कानून पारित किया है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इजराइल। आंसर डी इजराइल। एक्सप्लेनेशन: इजराइल में नेसेट प्लेन ने उद्योगों के लिए यूरोपीय मानकों को अपनाते हुए एक नया पर्यावरण कानून पारित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सुधार और 820 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। सुधार का उद्देश्य इजराइल को यूरोपीय संघ के पर्यावरण मानकों के अनुरूप बनाना, प्रदूषण और जोखिमों को कम करना है। अगला प्रश्न: भारत में किस कंपनी ने 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है? ए एजोर पावर, बी टाटा पावर सोलर, सी अदानी ग्रीन एनर्जी, डी विक्रम सोलर। आंसर सी अदानी ग्रीन एनर्जी। एक्सप्लेनेशन: अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के विशाल खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी स्थापित की है, जिससे वो 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न ITR कब दाखिल कर सकते हैं? ए 1 जनवरी 2024 से, बी 1 अप्रैल 2024 से, सी 1 जुलाई 2024 से, डी 1 अक्टूबर 2024 से। आंसर बी 1 अप्रैल 2024 से। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने करदाताओं को 1 अप्रैल 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की सुविधा दी है। अगला प्रश्न: विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 7 अप्रैल, सी 1 मई, डी 15 जून। आंसर बी 7 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन: 1948 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1950 से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। अगला प्रश्न: परिवर्तन चिंतन त्रि सेवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना, बी सेना के भीतर आंतरिक संघर्षों का समाधान करना, सी सशस्त्र बलों के लिए बजट आवंटन पर चर्चा करें, डी चल रहे सैन्य अभियानों की समीक्षा करें। आंसर ए संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना। एक्सप्लेनेशन: परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। देश में सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं को मिलाकर एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयास की पृष्ठभूमि में तीनों सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की बैठक हुई, जिसका उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचारों, पहलों और सुधारों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? ए सऊदी अरब, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी मलेशिया।
आंसर सी न्यूजीलैंड। एक्सप्लेनेशन, न्यूजीलैंड ने पिछले साल रिकॉर्ड प्रवासियों के आने के कारण रोजगार से संबंधित अपने वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। अब न्यूजीलैंड अधिकांश उन नौकरियों के लिए बाहरी लोगों को बुलाएगा जिनके लिए देश में कौशल की कमी है। कम कौशल वाली नौकरियों के लिए भी अंग्रेजी भाषा की जानकारी अनिवार्य कर दिया और ज्यादातर रोजगार वीजाओं के लिए एक न्यूनतम कौशल और अनुभव की सीमा निर्धारित कर दिया गया है। अब कम कुशल प्रवासी एक बार में अधिकतम 3 साल ही न्यूजीलैंड में रह पाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ए ओडिशा, बी गुजरात, सी गोवा, डी लक्षद्वीप। आंसर डी लक्षद्वीप। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। कौन सी घटना विक्रम संवत 2081 की शुरुआत का प्रतीक है? ए गुड़ी पड़वा, बी चैत्र शुक्लादि, सी चेटी चंद, डी उगादि। आंसर बी चैत्र शुक्लादि। एक्सप्लेनेशन, चैत्र शुक्लादि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का दिन है। ये चैत्र महीने के पहले दिन पड़ता है। चैत्र हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस दिन देश के विभिन्न राज्यों में गुड़ी पड़वा, उगादि और चैत्र नवरात्रि जैसे महापर्व भी मनाए जाते हैं। इस नए संवत्सर 2081 की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, इसलिए मंगल ग्रह ही इस वर्ष का राजा होगा। अगला प्रश्न, भारत ने विदेशी सिखवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, ये किस देश में है? ए श्रीलंका, बी कतर, सी ईरान, डी म्यांमार। आंसर डी म्यांमार। एक्सप्लेनेशन, म्यांमार स्थित सितवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद ये दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कालादार नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल IPGL के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने घोषणा की है कि खेलो इंडिया के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे? ए अनुराग ठाकुर, बी विजय माथुर, सी अजय सिंह, डी संजय माथुर। आंसर ए अनुराग ठाकुर। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। इन नौकरियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स के पदक विजेता पात्र होंगे। खेलो इंडिया को भारत सरकार ने साल 2017 में जमीनी स्तर पर बच्चों के साथ जुड़कर भारत में खेल की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं को शादी के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है? ए महाराष्ट्र सरकार, बी झारखंड सरकार, सी केरल सरकार, डी गुजरात सरकार। आंसर बी झारखंड सरकार। एक्सप्लेनेशन, झारखंड सरकार ने हाल ही में विधवा महिलाओं को शादी के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है जिसके तहत दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत में 7 लोगों को 14,00,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई है। अगला प्रश्न, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? एक हावड़ा गुजरात, बी मुंबई महाराष्ट्र, सी चेन्नई तमिलनाडु, डी जयपुर राजस्थान। आंसर ए खावड़ा गुजरात। एक्सप्लेनेशन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के खावड़ा में 30 GW नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है जो 538 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र बनाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 10 अप्रैल, सी 5 मई, डी 15 जून। आंसर बी 10 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हेनेमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हेनेमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ था। उन्होंने 1796 में होम्योपैथी की खोज की। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? ए 10,000, बी 30,000, सी 40,000, डी 50,000। आंसर डी 50,000। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। ये पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इसे साल 2028 लॉस एंजल्स में सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी रांची, डी वाराणसी। आंसर, सी रांची। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ए स्वर्णभूमि संगीत अकादमी, बी संगीत नाटक अकादमी, सी आईफा, डी वैश्विक संगीत संस्थान। आंसर, बी संगीत नाटक अकादमी। एक्सप्लेनेशन, संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन करेगा। शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मनोज पांडा, बी अमिताभ कांत, सी राजीव कुमार, डी राजमोहन सिन्हा। आंसर, ए मनोज पांडा। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए एरिजोना विश्वविद्यालय ओसिरिस रेक्स टीम, बी इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम, सी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, डी नासा। आंसर, बी इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम। एक्सप्लेनेशन, इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह 8 अप्रैल 2024 को कोलोराडो में अंतरिक्ष संगोष्ठी के वार्षिक उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? ए हार्दिक पांड्या, बी ईशान किशन, सी केएल राहुल, डी सूर्य कुमार यादव। आंसर, डी सूर्य कुमार यादव। एक्सप्लेनेशन, मुंबई में खेले गए आईपीएल 2024 के एक मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वह विराट रोहित जैसे खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली 12,313 T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ए महोबा उत्तर प्रदेश, बी मेरठ उत्तर प्रदेश, सी नीलगिरी तमिलनाडु, डी कुडालोर तमिलनाडु। आंसर, सी नीलगिरी तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई भारत सरकार की हर घर नल जल योजना के तहत लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने में सबसे तेजी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है, तो यूपी के महोबा जनपद ने देश में दूसरा स्थान और प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना सबसे तेजी से यूपी में आगे बढ़ रहा है। देश के टॉप 10 जिलों में यूपी के बुंदेलखंड से 2 जिलों को स्थान मिला है। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए मनपम तमिलनाडु, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी कोयम्बटूर तमिलनाडु, डी मदुरई तमिलनाडु। आंसर, ए मनपम तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICJS मनपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। रुस्तमजी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए आकाशदीप गोयल, बी विनय कुमार सिन्हा, सी तरुण बजाज, डी राजेश तनेजा। आंसर, सी तरुण बजाज। एक्सप्लेनेशन, US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है। US इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। किस विषय में JNU भारत में शीर्ष रैंक वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा? ए अर्थशास्त्र गणित कंप्यूटर विज्ञान, बी भूगोल इतिहास आधुनिक भाषाएं, सी इंजीनियरिंग चिकित्सा कानून, डी भौतिकी रसायन विज्ञान जीव विज्ञान।
आंसर बी भूगोल इतिहास आधुनिक भाषाएं। एक्सप्लेनेशन भूगोल इतिहास आधुनिक भाषाएं राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानव विज्ञान अंग्रेजी भाषा और साहित्य और भाषा विज्ञान के विषयों में JNU देश के शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ए 11 अप्रैल बी 12 अप्रैल सी 13 अप्रैल डी 14 अप्रैल आंसर बी 12 अप्रैल एक्सप्लेनेशन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गगारिन के सम्मान में मनाया जाता है। UN महासभा ने साल 2011 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अगला प्रश्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है ए किर्गिस्तान बी भारत सी चीन डी ईरान आंसर ए किर्गिस्तान एक्सप्लेनेशन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा में रजत पदक जीता, वहीं अभिमन्यु ने 70 किग्रा में भारत को दूसरा पदक दिलाया। अगला प्रश्न KBIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है ए टाटा ग्रुप बी टेक महिंद्रा सी रिलायंस इंडस्ट्री डी CSIR IMMT आंसर डी CSIR IMMT एक्सप्लेनेशन खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KBIL ने महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IMMT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। KBIL भारत सरकार के खान मंत्रालय के तत्वावधान में 3 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नालको HCL और NECL की एक संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न EVM के संदर्भ में VVPAT का क्या मतलब है ए सत्यापित मतदान प्रक्रिया और जवाबदेही उपकरण बी वोटर वेरिफाइड पेपर सटीकता ट्रैकर सी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल डी सत्यापित मतदाता पत्र ऑडिट ट्रेल आंसर सी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक्सप्लेनेशन वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। एक VVPAT मतदान मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में लक्षित है, जिससे मतदाताओं को यह सत्यापित करने के लिए अनुमति दी जाती है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया, संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगा सके और संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने के लिए साधन प्रदान कर सके।